करो आगे जाओ। योर नेम इज साक्षी। हेलो भैया, माय नेम इज साक्षी। परिवर्तन की इस मेला में ये हाथों में ये ज्ञान दी। परिवर्तन की अरे व्हाइट लाइट है। यस खुद सीखा है और आप लोग बहुत छोटे हो। आपको जो भी अच्छा लगता है, कोई भी चीज़ आपको पसंद है, आपको लगता है कि ये बहुत अच्छी है, प्लीज़ खुद जाके उसको मेहनत करो, आप लोग कर सकते हो सब। आप सबकी टी शर्ट के ऊपर क्या लिखा हुआ है? स्माइल फाउंडेशन। सो आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि आप लोग इतना स्माइल क्यों नहीं कर रहे? ये भी बहुत कम है। आप लोगों की नॉइज सबसे ज्यादा होनी चाहिए। एक बार सब मुझे आई नीड टू हियर इट। सो हंस के दिखाओ, हाथ ऊपर, एक बार हाथ ऊपर करो, हंस के दिखाओ। ये तो कुछ नहीं है, और जोर की। एक सेकंड, पहले एक बार लड़कियां करें, हंस के दिखाएं मुझे जोर की। लड़के बहुत बेटर। मैं आपको एक और चांस देता हूँ, इनको बीट करके। अगर आप किसी से मिलते हैं और वो आपको हंस के मिलता है, आपको उसको, आप उसको प्यार करने लग जाते हैं, इज इट राइट? यस। और कोई गुस्से से आपको मिलता है तो आपको अच्छा नहीं लगता है, करेक्ट? यस। इसलिए तो जब भी मिले सबको हेलो स्माइल देखिएगा। अगर आप किसी से गुस्सा है उसे प्यार से हंस के भी बात कर लोगे तो गुस्सा ठंडा हो जाएगा। सो आई वॉन्ट यू ऑल टू स्माइल ऑल टाइम। समझ आया? Yes! और लड़कियां अगर हंसती हैं तो बहुत अच्छी दिखती हैं, मानते हो कि नहीं? लड़के जब हंसते हैं तो वो भी बहुत अच्छी दिखते हैं। आपको पता है स्पेशली हम लोगों ने बोला था कि सब लोग जमीन पे बैठेंगे, क्यों बोला था बताओ? किसी को पता है क्यों? यस नो? मैं आपको बताता हूँ। आप यहाँ पे आइए, आप यहाँ पे आइए, बैठिए नीचे, बैठिए नीचे। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, आप क्या एज है? दोनों 11 के। सो अभी आप इनको देखिए, आप उठ के वहां जाइए वापस। ये रुको,
आप उठ के जाइए वहां पे। आप दोनों 11 इयर्स के हो और आप बुड्ढों की तरह क्यों उठते हो ऐसे? क्यों? मैंने आपको इसलिए नीचे बैठा है कि आपको ऐसे नहीं उठना। जब भी बैठना है आराम से बैठो, हाथ यूज मत करो। आजकल सब लोग टेबल पे बैठते हैं, चेयर पे बैठते हैं, बड़े बड़े सोफों पे बैठते हैं, इसीलिए सब लोगों की नॉर्मली बैक में दर्द होती है, टांग में दर्द। आपने सुना है ना लोग बोलते हैं मेरे बैक में दर्द होता है? आपके होता है घर में? मम्मी लोग बोलते हैं सब? क्यों होता है? क्योंकि वो सारे दिन चेयर में बैठे रहते हैं। जब रेस्ट करना होता है वो लोग चेयर पे बैठते हैं। अगर आप ऐसे बैठेंगे, स्माइल करेंगे, तो आप बहुत फिट और हेल्दी रहेंगे। समझे? जो इन्होंने डांस किया है बहुत मुश्किल है, पर आप सब लोग कर सकते हैं। लगता है आपको कर सकते हो? लड़कियों में कौन कौन डांस करता है? आप लोगों को शर्म आ रही है? किसी लड़की को डांस नहीं करना आता है? लड़कों में किस चीज को आता है? वेरी गुड, वेरी गुड। दूसरी बात, हम लोगों को आप क्यों शर्माएंगे? अब मैं आपको बताता हूं हंसते कैसे। हंस के दिखाइए आप लोग सब लोग। 1 2 3 आप लोग इसके दिखाइए। ये वाली ऐसी सब लोग खड़े हो जाए। बॉडी आपके शरीर के हर हिस्से से खबर करिए और सोचिए आपके मम्मी पापा आपसे बहुत खुश हैं और वो बहुत खुश हैं कि आज क्रिसमस में हम सब ने ये रेड कैप पहनी है। और जोर की हंस के दिखाइए। हर जगह से बुलाया जाता है और जब मुझे स्माइल फाउंडेशन ने बुलाया यहाँ पे आओ, मैं बहुत एक्साइटेड था आप लोगों से मिलने के लिए। मुझे यही नॉइस चाहिए थी, मुझे यही शरारत चाहिए थी। और प्लीज़ आप लोग खूब शरारत करिए, खूब नॉइस करिए, खूब खेलिए, पढ़िए भी मत खेलिए बहुत ज़्यादा। ओके, वेरी गुड। इसको कैट से डर लगता है? ऋषिकेश आपको जिस भी चीज से डर लगता है, अगर आपको कभी बचपन में किसी ने काटा है, कोई बात नहीं। एक और बार एक और आवाज लड़कियों, क्या हो गया? अरे पिच नीचे जा रहा है। 1 2 3 आज से आप जिसको भी मिलेंगे हंस के मिलेंगे,
सबको गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग स्माइल करके गए। Yes. 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 और अगर लड़कियों को दिखता है कि कोई लड़का शर्मा के नहीं कर रहा है उसके पास जाइए स्माइल करिए और हेलो बोलिए। ओके यस। जो पहले बोलता है वो बेटर आदमी होता है, उसको कम शर्म होती है, इसलिए ये मत वेट करिए कि दूसरा आपको आदमी स्माइल करेगा, समझे? Yes. जो पहले स्माइल करता है वो ज्यादा बड़ा आदमी है, हमेशा स्माइल करके हेलो बोलिए। ऑलराइट गाइस। यस। वन पिक्चर सीरियस मिल रहा है ना तू? हाँ सीरियस ये ना। सामने उनकी टीशर्ट खराब हो गई है, नहीं है खिलाने के बाद यहां देख लो टीशर्ट खराब है। और किसको चाहिए भाई? शर्मा रहे हो या डिंपल? डिंपल है आपको? आ जाओ आ जाओ। गुड गर्ल, मेरी क्रिसमस मिल रहा है ना? आ जाओ ना फ्रेंड्स। इसको चाहिए और कैमरा सर लुक के सॉरी।
आपकी बेटी है मेरी मम्मी ने लिपस्टिक लगाई है यस कैन यू बोल दिस सर थोड़ा बढ़िए सर एक एक पिक्चर आगे वाले इधर एक ट्रायल हाँ यस लुक 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 या अरे सामने देखो सबसे लोग लड़के लोग फाइव जय श्री हाँ हाँ थैंक यू गुड थैंक यू दे दो मुझे मेरी कार्ड एक मिनट आप पीछे पीछे आना पीछे लुकिया जी सर यहाँ पे यहाँ पे सबको आता है कि किसी किसी को ही आता है ये पिक्चर वेरी गुड वो दिख रहा है ये भाजी तू क्या करती है पीछे भी पीछे अरे बाप रे वाव और कौन
ऐसे घुमाते रहो बस और फिर ये ऐसे सो बेसिकली जैसे आप लोग जंप मारते हो वैसे पूरी बॉडी को ऐसे उठाना समझ आई घर में प्रैक्टिस करना ओल्ड देन हिम सबसे पहले तो मेरी क्रिसमस टू यू आज आप सेंटा बने उसके बारे में कुछ बताइए आज मैं सेंटा बनाऊँ इसके बारे में आपको क्या बताऊँ मैं सेंटा बनाऊँ सो यार द होल आइडिया ऑफ सेंटा क्लॉज इज़ टू बेसिकली स्प्रेड हैप्पीनेस स्माइल करके देखो सब लोग स्माइल अपनी असली वाली स्माइल सो इट्स अ ग्रेट प्रिविलेज एंड आई थिंक हर आदमी को हर दिन सेंटा क्लॉज बनना चाहिए किसी ना किसी तरीके से कभी कभी प्लेटफॉर्म मिलता है कभी कभी दिन होता है जहाँ पर बहुत ज़रूरी होता है पूरे दुनिया को एक्नॉलेज करना आज वो दिन यार बच्चों से मिलना बहुत स्पेशल हर बार होता है क्योंकि इनफैक्ट कल मैं अपनी मदर से ये बात कर रहा था कि आफ्टर अ सर्टन एज बुज़ुर्ग की इज्जत करना बहुत ज़रूरी होता है यू हैव टू रिस्पेक्ट दैट द पर्सन हैज़ लिव्ड फॉर अ सर्टन अमाउंट ऑफ ईयर्स चाहे वो 50 के ऊपर हो 60 के ऊपर हो सिमिलरली जो बच्चे होते हैं उनकी भी इज्जत करना बहुत ज़रूरी है हम लोग प्यार से ज़्यादा अगर उनको इज्जत करें तो वो लोग सोसाइटी में बेटर लोग बन सकते हैं सो आई थिंक द वर्ल्ड इज़ टू रिस्पेक्ट द किड्स एंड द ओल्डर पीपल यार पहले तो पूरी ज़िंदगी यही सोचते रहते थे रात को हम छोटे थे तो लिख के रख देते थे पिल्लों के नीचे तब सेंटा क्लॉज आके कुछ ना कुछ तो दे ही देते थे सालों बाद पता लगा वो मम्मी या पापा देते थे बट सेंटा क्लॉज का जो बिलीफ था वो हमेशा रहा एंड आई थिंक इट्स ग्रेट कि हम लोग वो स्प्रेड कर सकते हैं आगे बढ़ा सकते हैं ये लोग भी बड़े होकर वही करेंगे दे विल स्प्रेड हैप्पीनेस एंड लव दरअसल एजुकेशन मेरे मुताबिक इज़ नॉट ओनली स्टडिंग मैथमेटिक्स साइंस आई थिंक एजुकेट किड्स टू लिव अ हेल्दियर लाइफ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट व्हाई बिकॉज मैं लोगों से मिलता हूँ और आफ्टर एज ऑफ अबाउट 25-28 उनको यहाँ बॉडी में दर्दें होती हैं या वो कहते हैं कि मैं पहले कर सकता था ये सब चीज़ें अब नहीं कर सकता हूँ सो आई थिंक टू टेल देम अबाउट हाउ टू लिव अ हेल्दियर लाइफ हेल्दी से मेरा मतलब है कि जैसे मैं अभी किसी बच्चे को पीछे बोल रहा था आप लोग ब्रश करते हो दांत yes. कौन से हाथ से करते हो right. सब राइट से करते हैं yes. आपने कभी लेफ्ट से करके देखा है nah. कल से रोज ट्राई करना लेफ्ट से आप देखेंगे राइट से आसान होता है लेफ्ट से मुश्किल होता है कभी ट्राई नहीं किया है no. किया है ना बहुत मुश्किल होता है इसीलिए आपको दोनों हाथ अपने बैलेंस करने के लिए एक दिन राइट से करिए एक दिन लेफ्ट से करिए समझे वो करोगे तो आपकी दोनों बॉडी का बैलेंस सेम हो जाता है फॉर एग्जाम्पल आप लोग जो देख रहे हैं मैं आप सबको दिखाता हूँ आप लोग ट्राई करिए आपका दोनों अगर बॉडी का राइट साइड एंड लेफ्ट साइड बैलेंस है तो आप जो बोलोगे दूसरी बॉडी का पार्ट करेगा फॉर एग्जाम्पल मैं इस हाथ को बोलूँगा 1 2 काउंट करो 3 4 5 6 9 4 3 2 1 करके दिखाओ इस हाथ को बोलो इसको बोले 1 इसको बोले 2 3 4 5 अगर आपके दोनों साइड बैलेंस होंगे आप पढ़ाई भी अच्छी कर पाएंगे लोगों से खुशी से मिल पाएंगे इसीलिए जब आप ब्रश करते हो तो किसी दिन राइट से करिए किसी दिन लेफ्ट से करिए अपनी पूरी बॉडी का इस्तेमाल करिए समझे yes. सब करिएगा और मुझे बताइएगा ज़्यादा फिट किससे यार ऑनेस्टली हिंदुस्तान में फिटनेस लेवल इस समय इतना हाई है मैं बाहर शूट कर रहा था जंगली की एंड सबको पता है कि हिंदुस्तानी हर एक्टर बहुत फिट है हर एक्टर फिट है इस समय मुझे लगता नहीं है कि फिटनेस इज समथिंग दैट पीपल डू टू बिकम एन एक्टर पीपल आर फिट लाइक ही इज़ अ फिट गाय यू ऑल्सो फिट सो हर आदमी फिट है यार फिल्मों की बात करें तो आपकी दो फिल्में लाइन लगी हुई हैं सो जंगली अभी अप्रैल 5 को रिलीज़ हो रही है उसके बाद एक महेश मांजरेकर की फिल्म है जिसका नाम है पावर वो रिलीज़ होगी और कमांडो 3 की शूटिंग चल रही है सो 2019 इज़ अ ग्रेट ईयर एंड आई एम हैप्पी दैट 2019 इज़ हियर नाउ यार 2018 में इतना काम किया है बहुत सालों से वेट किया था कि एक ऐसा साल आए जहाँ पे बिल्कुल टाइम ना मिले इस साल बिल्कुल टाइम नहीं मिला एंड आई थिंक इट्स वन ऑफ द बेस्ट इयर्स फॉर मी ओके बिसाइड्स दिस अब आगे का क्या प्लान है आपका क्रिसमस
क्रिसमस यार, सो मैं कल ही रात को बाहर था और आया, और सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट आज यहाँ आने की थी. एंड द वे वी सॉ द किड्स, किड्स आर अमेजिंग, बिकॉज यू जस्ट से समथिंग एंड दे लाफ, यू जस्ट से समथिंग एंड दे बी लाइक रिएक्टिंग. सो इट्स अ ग्रेट, इट्स ग्रेट टू बी विद किड्स. मैरी क्रिसमस टू एवरीबडी, एंड फ्रॉम ऑल द किड्स, and from I Train Like Vidyut Jammval, and people who believe in smiling and making people smile, this is for all of you. Merry Christmas. Bolo ek saath. 1, 2, 3. Merry Christmas! Thank you. Thank you.